नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर फरखाबाद से है। फरखाबाद में नशेड़ी अधीर ने पत्नी मालती को ईंटों से कुचल कर मार डाला, जी हां, और घर से गायब हो गया। कोतवाली फरखाबाद के ग्राम चांदपुर निवासी जबर सिंह कटियार की 50 वर्षीय मालती पत्नी थी। मालती की एकमात्र 14 वर्षीय पुत्री मुस्कान की बीते वर्ष बुखार आने पर मौत हो गई थी। शराब पीने वाले जबर सिंह का आए दिन पत्नी से विवाद होता था। बीते दिनों जबर सिंह ने विवाद के दौरान नशे में मालती के ऊपर ईंटों व डंडों से प्रहार कर दिया, जिससे मालती की मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद जबर सिंह भय के कारण गांव से भाग गया। आज सुबह जबर सिंह के घर से गंध आने पर लोगों ने छत पर जाकर देखा तो वहां मालती का गला शव पड़ा हुआ था। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। गांव वालों ने जबर सिंह को तलाश किया तो जबर सिंह ग्राम लकुला क्षेत्र के आम के पेड़ के नीचे लेटा आराम कर रहा था। ग्रामीणों ने जबर सिंह को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि जबर सिंह पड़ोस के बच्चों से पूछता था कि क्या मेरे घर कोई आया है। मालती जनपद कन्नौज के ग्राम तेजापुर की रहने वाली थी। उसके मायके वालों को घटना की सूचना दे दी गई है। गांव के बसपा नेता एवं प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी के पुत्र विजय भास्कर ने मौके पर जाकर घटना की जानकारी की। पुलिस जबर सिंह से घटना की जानकारी कर रही है। बाद में पता चला कि शव को जलाया भी गया है, जिससे मालती का चेहरा काला पड़ गया है और हाथ की खाल उधड़ गई है। फरखाबाद से रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। ये ले लो आपका मगन बेटिया। भैया ये सब मिला, इसकी सूचना आपको कैसे मिली है? अरे गांव के लोगों ने देखा तो भैया ने बताया मेरे घर जाके कि भैया तुम्हारी मौसी को कहते हैं पता नहीं क्या हुआ है, देखो जाके वहाँ पे कीटा ईटा लग रहे हैं। तब आके देखा तो पता चला। अच्छा ये कब से पड़ी हुई है बॉडी? अब ये पता नहीं, हो सकती दो दिन हो गए कम से कम। दो दिन हो गए। अच्छा आपको क्या लग रहा है, ये हत्या की गई है क्या है? ये जबर सिंह कटियार हैं, उन्होंने ही अपनी पत्नी को मारा है। अच्छा, ये ग्राम चांदपुर है, यहाँ जबर सिंह का परिवार गाँव में रहता है। इनकी पत्नी मालती कटियार ये अपने छत पे मृतक अवस्था में मिली हैं। ऐसा शव को देखने से ऐसा लगता है कि दो तीन दिन पहले इनकी मृत्यु हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना के कारणों का विवेचना में स्पष्ट रूप से पता लगाया जाएगा। यहाँ पे पूछताछ करने से संज्ञानित हो रहा था कि पति पत्नी के बीच आए दिन मारपीट लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और कुछ चीज निकल करके आई सामने, पुत्री की हत्या कर दी है या उसकी मौत हो गई, ऐसा कुछ मामला है? देखिए ये बताया जा रहा है कि एक वर्ष पहले इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण पत्नी और ज़्यादा असंतुष्ट रहती थी। उनको लगता था कि मेरे पति की लापरवाही के कारण ही मेरी पुत्री की मृत्यु हुई है। वो बीमार थी, उसका इलाज सही समुचित ढंग से नहीं हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। मानसिक विक्षिप्त भी है, प्रमाण पत्र है, लोग गांव के लोग बता रहे हैं। जबर सिंह के बारे में अभी जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि वह उसके अंदर व्यसन है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, इस तरह की है उसकी, और लड़ाई झगड़ा अपने परिवार में पत्नी बच्चों से करता है। वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार किया है? इस संबंध में लगातार हमारी टीम काम कर रही है, हम प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए।